लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टेक्ट नंबर है। हजरत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी जी का बीते कुछ घंटे पहले हुआ इंतकाल, जिसके चलते इस्लामिक सेंटर में एक ताजियती कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के लिए इसाले सबाब किया गया और दुआए मगफरत की गई। हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब, नाजिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 94 वर्ष की उम्र में हुआ इंतकाल। मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी सचिव इस्लामिक सेंटर ने जानकारी देते हुए कहा कि 94 वर्ष की उम्र में हुआ हजरत राबे हसनी जी का इंतकाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर थे तैनात। इस्लामिक सेंटर की वेबसाइट का शुभ आरंभ भी सैयद राबे हसनी नदवी के हाथों हुआ था। उनके लिए की दुआ, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मौलाना राबे हसनी नदवी की नमाज जनाजा आज रात 10 बजे नदवा कॉलेज लखनऊ में होगी और कल सुबह 8 बजे रायबरेली में होगा दफीना। आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली, 3:30-4:15 के करीब शहर नर्सिंग होम में हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। और इस खबर के बाद बहुत पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे आलम इस्लाम में और पूरे मुल्क में एक अफसोसनाक खबर फैल गई और चारों तरफ से ताज़ियती पैगामात आने लगे। हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है और हमारे उस्ताद भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे इस्लामिक सेंटर की वेबसाइट का इनॉग्रेशन 1 साल पहले उन्हीं के हाथों से हुआ था नदवे में, क्योंकि वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के चांसलर भी थे और 21 साल वो चांसलर रहे और 94 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई है। 30 किताबों के वो मुसन्निफ़ थे और यहीं नहीं बड़े बड़ी तंजीमों के वो मेंबर और ओहदेदार रहे, ख़ास तौर से हमारे मुल्क की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे और ऐसे सरपरस्त थे कि जिनके ऊपर पूरे आलम इस्लाम मुत्तफिक है, हमारे मुल्क के हर तबके के लोग उन पर मुत्तफिक थे और उनको एग्री करते थे और उनको पसंद करते थे। आज उनकी दुनिया से जाने के बाद हम सब अफसोस और गम इस वक्त इस तौर पर कि उनके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। आज ये हमने ताज़ियती नशिस्त रखी है इस्लामिक सेंटर में ताकि उनके लिए इसाले सवाब की जाए और उनके लिए दुआए मगफिरत की जाए। और हम सभी अपने शहर के लोगों से ये अपील करते हैं कि वो सब उनके लिए दुआए मगफिरत और इसाले सवाब करें। आज आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के वाइस चांसलर जनाब हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का अभी तकरीबन 3:30 बजे इंतकाल हो गया। और ये पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और पूरा आलम इस्लाम इस वक्त उनकी वजह से गमगीन है और गमजदा है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए। उम्मत के लिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो एक मुत्तफिका शख्सियत की हैसियत रखते थे, हर मशरब और हर मसलक के लोग उनको अपना बड़ा मानते थे और वो पूरी उम्मत की गोया इस वक्त क़यादत कर रहे थे और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो आयली मसाइल हैं उन मसाइल के सिलसिले में जो
हिंदुस्तानी तंजीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें हर मकतबे फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, उसके मुत्तफ़क़ अलैह सदर थे और तालीमी, तदरीसी और इस्लाही बेशुमार खिदमात उन्होंने अंजाम दी। एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे जिसका पूरी मिल्लत इस्लामिया पर और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बड़ा एहसान रहा है, और तारीख़ जब भी लिखी जाएगी मौलाना के तस्करे के बग़ैर वो तारीख़ अधूरी होगी। आज हम सब फिरोज़ाबाद के बाशिंदगान, ख़ास तौर से हमारे इस्लामिक सेंटर के कारकुनान और आम मुसलमान भी इस वक्त इस गहरे गम में मुब्तला हैं, और हमारे पास इस गम की घड़ी में सिवाय अपने अल्लाह से दुआ के और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी इस वक्त हज़रत मौलाना की ताज़ियत के सिलसिले में ये मजलिस मुनाकिद की गई है और इसाले सवाब का एहतमाम किया गया है, और आम मुसलमानों से भी इस वक्त यही दरख्वास्त है कि सब्र से और हिम्मत से काम लें और दुआओं का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक का महीना है और हज़रत मौलाना के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें। हज़रत तकरीबन 30 साल कबल फारूक आज़म हाई स्कूल की शक्ल में इल्म का जो चिराग रोशन किया गया था, वो आज फारूक आज़म इंटर कॉलेज, मौला अली इंटर कॉलेज, सिद्दीक अकबर स्कूल और एमए पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम से तालीमी रोशनी फैला रहा है। मौला अली इंटर कॉलेज को साइंस, कॉमर्स और कला वर्ग में इंटर तक की सरकारी मान्यता हासिल है। मुनासिब फीस में एमए पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में 10th तक क्लासेस चल रही हैं। 10th और 12th में लगातार बेहतरीन रिजल्ट हमारी पहचान है, और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क के मायानाज इदारों में जाकर नाम रोशन करने वाले तलबा पर हमें फख्र है। नर्सरी से 11th क्लास तक में दाखिले शुरू हो चुके हैं। हम मानते हैं कि तालीम का एक बड़ा मकसद बच्चों में छिपी हुई सलाहियतों को उभारना और उन्हें ईमानदार और सच्चा बनाने की कोशिश करना है। इसके लिए हम लगातार कोशां हैं। दाखिले के लिए तशरीफ लाएं मौला अली इंटर कॉलेज डाक बंगला, फारूक आजम इंटर कॉलेज, सिद्दीक अकबर स्कूल, एमए पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिरोजाबाद।